हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल, ट्रस्टेड चैनल एमएस नर्सिंग एजुकेशन। आज का टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नर्सिंग का फाउंडेशन माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको थ्योरी, वाइवा और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमैटिक मेथड है जिससे नर्सेस पेशेंट की केयर प्लान करते हैं। ये प्रोसेस साइंटिफिक भी है और पेशेंट सेंटर्ड भी है, और सबसे बड़ी बात ये ग्लोबली एक्सेप्टेड। So, nursing process एक systematic method है जिससे nurse patient की care plan करती है। Definition देखेंगे। Nursing process is a problem solving approach to identify and meet the needs of patient through organized step. Nursing process is a problem solving approach to identify and meet the needs of the patient through organized steps. What are the five steps? Assessment, nursing diagnosis, planning, implementation, evaluation. Shortcut is ADPIE. Assessment, diagnosis, planning, implementation, and evaluation. For example, hum start karenge 1-to-1 step assessment. First step hai assessment, jisme nurse patient ki complete information collect karti hai. दो तरह का होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव पेशेंट जो बता रहा है, लाइक पेन एंड फीलिंग। ऑब्जेक्टिव नर्स जो ऑब्जर्व करती है, जैसे कि बीपी, टेम्परेचर, स्वेलिंग। फॉर एग्जांपल, मिसेस शर्मा सेज शी हैज पेन इन एब्डोमिन। नर्स नोट्स टेम्परेचर इज 101 डिग्री फारेनहाइट। एब्डोमिनल पेन है, नर्स ने टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर मिला 101। सो दिस इज सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव डाटा। सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप असेसमेंट। सेकेंड देखेंगे हम लोग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस ये एक मेडिकल डायग्नोसिस नहीं होता। ये नर्सेस आइडेंटिफाई करती है कि पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम क्या है बेस्ड ऑन असेसमेंट। फॉर एग्जांपल, अक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी एविडेंस बाय वर्बल रिपोर्ट ऑफ द पेन। सो दिस इज नर्सिंग डायग्नोसिस, अक्यूट पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी एज एविडेंस्ड बाय वर्बल रिपोर्ट ऑफ द पेन। थर्ड है प्लानिंग। तीसरा स्टेप जिसमें नर्स डिसाइड करती है कि पेशेंट के लिए क्या गोल्स होंगे और उनको अचीव करने के लिए क्या इंटरवेंशंस किए जाएंगे। एग्जांपल, गोल, पेन विल रिड्यूस विद इन 24 आवर्स। इंटरवेंशन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक एंड मॉनिटर द लेवल ऑफ पेन टाइमली। सो दिस वाज थर्ड पॉइंट, प्लानिंग। फोर्थ इज इम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें एक्चुअल में प्लान ऑफ एक्शन लेकर आते हैं हम लोग। जो प्लान हमने किया है उसको इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज इंप्लीमेंटेशन फेज। मींस एग्जांपल है एडमिनिस्टर करना टैब पैरासिटामोल 500 mg एंड यूज कोल्ड कंप्रेस फॉर पेन रिलीफ। सो दिस इज द इंप्लीमेंटेशन। इवैल्यूएशन, अब हम इवैल्यूएट करेंगे कि जो हमने एडमिनिस्टर किया था पेन, उसमें रिड्यूस हुआ कि नहीं। पेन का जो लेवल है 8/10 टू 2/10 हुआ कि नहीं। जब पेन था तो उन्होंने पेन का जो स्कोरिंग दिया था 8/10। अब एनालिसिस दे दिया है, कोल्ड कंप्रेस यूज किया तो इफेक्टिव है कि नहीं, तो उन्होंने दिया स्कोरिंग 2/10, मतलब कि पेन रिड्यूस हो गया। सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, वैल्यूएशन। अब हम देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये सिस्टमैटिक होता है, डायनेमिक होता है, गोल ओरिएंटेड, पेशेंट सेंटर्ड, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे What is the importance for nurses? Nursing process का क्या importance है nurses के लिए? Nursing process से patient care efficient बनता है। ये help करता है nurses को time manage करने में, prioritize करने में कि हमको क्या चीज पहले करना है। Documentation clear रखने में help करता है and most importantly individualized care provide करने में ये help करता है। So this is the importance for nurses. Quick revision, nursing process steps क्या कहते हैं? Assessment, diagnosis, planning, implementation and evaluation. जैसे कि हमने sample case study के through समझने की कोशिश करते हैं, what is nursing process? तो patient का case है 45 year old female, post surgery, complaint क्या है? Pain and nausea. Assessment, जो pain score था 8/10, temperature है 100 degree Fahrenheit. Diagnosis क्या बना? Acute pain related to surgical incision. Planning, pain will reduce to 2/10 in 24 hours. Implementation, give, prescribe analgesic, provide comfort, cold compress. Evaluation,
pain reduced to 3 by 10 after 24 hours. So this was the steps explanation with example. Tumhe aapko ye topic pasand aaya hoga. Agar haan to please like, share and subscribe. Apne doston ke sath zarur se ye topic share kariyega. Thank you.